है hey इस वीडियो पे हम फैट्स एंड ऑयल सोप्स एंड डिटर्जेंट का नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं तो इस वीडियो पे हम सोप्स स्टडी करेंगे अगर हो पाया तो सिंथेटिक डिटर्जेंट भी हम इसी वीडियो पर कर लेंगे इससे प्रीवियस वीडियो पे हमने फैट्स एंड ऑयल हाइड्रोजनेशन हाइड्रोजेलिसिस और आपका सेपोनिफिकेशन नंबर आयोडीन वैल्यू ये सब हमने स्टडी किया था वीडियोस आप देख सकते हो इस चैप्टर के नोट्स का लिंक मैंने नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो तो सोप्स क्या होते हैं सोप्स आपके फ़ैटी एसिड्स के सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट्स होते हैं कौन से फैटी एसिड्स होते हैं या आपके चीफली जो ऑलिक एसिड है स्टेरिक एसिड पालमेटिक एसिड लॉरिक एसिड या मिर्स्टिक एसिड्स इनके जो आपके सोडियम सॉल्ट बनते हैं या पोटेशियम सॉल्ट्स बनते हैं वो आपके जो सॉल्ट्स यहाँ पर फॉर्म होते हैं वो सोप्स होते हैं तो क्या डेफिनेशन लिखी है सोप्स आर सोडियम <coughs> और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड चीफली ओलिक स्टेरिक पालमेटिक लॉरिक या मिर्स्टिक एसिड ऑर्डरी सोप्स आर द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑयल एंड फैट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड तो जो आपके ऑर्डरी सोप्स मैन्युफैक्चर होते हैं वो आपके हाइड्रोलिसिस से आपको मिलते हैं जब फैट और ऑयल का हाइड्रोलिस होता है विद एन एल्कली तो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड से भी हो सकता है या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से भी हो सकता है जैसे इसमें आपका जो फैट है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवा रखा और आपको यहाँ पर क्या मिला है सॉल्ट मिला है जिससे यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं सोप ठीक है तो ये आपका मिक्सचर है ऑफ सोडियम कार्बोक्सिलेट्स द ऑयल्स एंड फैट आर मिक्सड ट्राई ग्लेसराइड्स एंड एस सच सोप्स आर मिक्सचर ऑफ सॉल्ट ऑफ सैचूरेटेड एंड अन सेचुरेटेड लॉन्ग चेन कार्बोआऑक्सुलिक एसड कंटेनिंग ट्वेल्व टू एटीन कार्बन एटम्स तो जो आपके ऑयल्स और फैट्स होते हैं या आपके ट्राईग्लेसराइड या तो आपके मिक्स ट्राई ग्लेसाइड्स हो सकते हैं क्योंकि आपके उसमें सेचूरेटेड uh, चेन भी हो सकती है या अनसेचूरेटेड फैटी एसिड्स की चेन भी हो सकती है तो आपको मिक्सड ट्राई ग्लेसराइड्स यहाँ पर मिलते हैं तो जो सोप्स होते हैं ये आपके मिक्सचर होते हैं ऑफ सॉल्ट ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड लॉन्ग चेन कार्बो एसिड जिसमें आपके बारह से अट्ठारह कार्बन एटम्स की चेन हो सकती है ठीक है यहाँ पर हम मिक्सचर ऑफ सॉल्टी कह रहे हैं ऑफ सैचूरेटेड अनसेचूरेटेड क्योंकि जो आपके ऑयल्स ऑफ फैट्स होते हैं ये हमने प्रीवियस में देखा था कि आपको क्या मिल सकती है आपकी सेचूरेटेड भी हो सकती है अनसेचुरेट भी हो सकती है डिपेंडिंग की जो कार्बो एसिड की चेन है फैटी एसिड्स की वो आपकी सेचुरेटेड है उसमें आपका डबल पॉइंट अगर नहीं प्रेजेंट है अगर अनसेचुरेटेड है तो आपका डबल पॉइंट प्रेजेंट होगा तो उसके हिसाब से आपको सॉल्ट मिलेगा अगर आपका डबल पॉइंट प्रेजेंट होगा तो उसमें उसके हिसाब से आपको अनसेचुरेटेड लॉन्ग चेन कार्बो एसिड का आपको एक सॉल्ट मिलेगा जिसमें आपके बारह से अट्ठारह कार्बन आटम के बीच में उसमें कार्बनस होंगे ठीक है जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक मिक्सड ट्राईक्लेसराइड है फैट आपके पास यहाँ पर ये यह है और ये जो आर है आपके पास ये अल्कालिक ग्रुप है डिफरेंट डिफरेंट है कितनी भी लंबी चेन आपकी हो सकती है तो इसके रिएक्शन हमने करवाई है सोडियम हाइड्रो के साथ हाइड्रोलेसिस आपका हो रखा है और आपको यहाँ पर ग्लिसरॉल अलग मिला है और साथ में आपको मिला है यहाँ पर मिक्सचर ऑफ सोडियम कार्बोआक्सीट तो जो सॉल्ट आपको मिला है ये आपका सोडियम सॉल्ट है फैटी एसिड्स का इसी को यहाँ पर हम कहते हैं सोप तो इस तरीके से आपका मैन्युफैक्चरिंग होती है सोप की जब आपका ऑयल या फैट रिएक्ट करवाते किसी एल्फली के साथ हाइड्रोलिसिस आपका होता है और आपको जब वो मिलेगा फैटी एसिड के आपको सॉल्ट मिलेगा या सोडियम सॉल्ट मिलेगा तो आपको वहाँ पर ये सोप मैन्युफैक्चरिंग इस तरीके से आपके यहाँ पर होती है तो यहाँ पर क्या मिला है मिक्सचर ऑफ सोडियम कार्बोऑक्सीडेट्स फिर क्या लिखा है हायर प्रपोर्शन ऑफ सॉल्ट ऑफ सेचरेटेड एसिड्स लाइक पालमेटिक या स्टेरिक ऐसे में हमें हार्ड सोप मिलते हैं अगर आपके जो सॉल्ट्स है हाई प्रपोशन पे सेच्यूरेटेड एसिड्स के मतलब अगर आपके डबल बॉन्ड की प्रेजेंट उसमें नहीं है और किस में नहीं होती है पालमेटिक या स्टेरिक एसिड ऐसे वाले जो आपके फैटी एसिड्स होते हैं इसमें आपके सेचूरेटेड एसिड्स आपके ये होते तो इसमें हमें हार्ड सोप्स मिलते हैं ठीक है बाई अ हायर प्रपोर्शन ऑफ सॉल्ट ऑफ अनसेचुरेटेड एसिड लाइक ओलिक एसिड इन सॉफ्ट सोप्स अगर आपके हाई प्रपोशन पे अनसेचूरेटेड एसिड्स के अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स के सॉल्ट होंगे जैसे ओलिक एसिड हो गया तो ऐसे केस में सॉफ्ट सोप मिलेंगे और अगर आप, आप, आपके पास हाई प्रपोशन होगा सैचूरेटेड एसिड्स के सॉल्ट का तो ऐसे केस में आपको हार्ड सोप्स मिलते हैं द पोटेशियम सोप्स प्रोड्यूस बाई द सेपोनिफिकेशन ऑफ फैट्स विथ पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड आर यूजअली सॉफ्टर जो आपको पोटेशियम सोप्स मिलते हैं जो प्रोड्यूस होता है सेपोनीफिकेशन से जब आप फैट कि रिएक्शन आप करवाते हो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो ऐसे केस में आपको पोटेशियम सॉल्ट मिलता है तो जो पोटेशियम सॉल्प है वो आपका सॉफ्टर होता है और सोलिबल होता है देन द सोडियम सोप्स ठीक है देरफोर पोटेशियम सोप्स आर यूज मेनली इन शेविंग क्रीम्स एंड लिक्विड सोप्स इसलिए आपके जो पोटेशियम सोप्स सोप्स होते हैं सॉफ्टर होने की वजह से वो आपके क्रीम्स में शेविंग क्रीम्स में या लिक्विड सोप्स में शैम्पूस में आपके यूज़ होते ही है क्योंकि जब आपके रिएक्शन होती है यहाँ पर फैट्स की पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो ये जो आपकी सेपोनीफिकेशन रिएक्शन हो रही है ऐसे केस में आपको जो प्रोडक्ट हाइड्रोलिसिस मिलेगा हाइड्रोलिस करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो आपको सॉफ्टर सोप वहाँ पर मिलेगा जो पोटेशियम सॉल्ट आपको मिलेगा जो सोप आपको मिलेगा वो सॉफ्टर होगा जिस कारण आपके ये मेनली शेविंग क्रिप्स में या शैम्पूस में आपके ये यूज़ होते हैं ठीक है ठीके? फिर आता आपका मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप अब सोप को बनाने के लिए आपके मेनली दो प्रोसेसेस होती है एक आता है आपका कैटल प्रोसेस दूसरा आपका हाइड्रोलाइजर प्रोसेस तो यहाँ पर कैटल प्रोसेस आपका ओल्डर मेथड है तो उसको हम स्टडी नहीं करेंगे जो आपका न्यूअर मेथड है मॉडर्न मेथड है वो हाइड्रोलाइजर प्रोसेस है इसको यहाँ पर हम देखेंगे तो लिखा है दे आर जनरली टू मेथड्स यूज फॉर सोप मैन्युफैक्चर कैटल एंड हाइड्रोलाइजर प्रोसेस द कैटल प्रोसेस इज द ओल्डेस्ट एंड इज नाउ यूज्ड इन स्मॉल फैक्ट्रीज़ और फॉर स्पेशल प्रोडक्शन ऑन अ लिमिटेड स्केल द हाइड्रोलाइजर प्रोसेस इज द मॉडर्न कंटिन्यूस प्रोसेस विच इज़ फार मोर इनॉमिकल एंड गिवस द प्योरेस्ट स्टअप तो जो कैटल प्रोसेस है वो आपका पुराना मैथड है और स्मॉल फैक्ट्रीज में लिमिटेड प्रोडक्शन के लिए ही आपका यहाँ पर वो यूज़ किया जाता है और जो हाइड्रोलाइजर प्रोसेस है वो आपका मॉडर्न कंटिन्यूस प्रोसेस है जो आपके ज़्यादा इकोनॉमिकल है और आपको प्योरेस्ट स्टप आपको यहाँ पर देता है प्योरेस्ट सोप आपको यहाँ पर देता है तो हम हाइड्रोलाइजर प्रोसेस को यहाँ पर स्टडी करेंगे क्या लिखा है दिस इज अ मॉर्डर्न कंटिन्यूस प्रोसेस फॉर सोप मैन्युफैक्चर इट इज़ मोर इकोनॉमिकल दैन द कैटल प्रोसेस एंड गिवस द बेटर क्वालिटी सोप यह अभी हमने देखा किस तरीके से क्या होता है आपका इसमें देखो द हाइड्रोलाइजर प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ इतने स्टेप्स आपके होते हैं तीन मेन स्टेप्स होते हैं आपके हाइड्रोलाइजर प्रोसेस में सबसे पहला होता है आपका हाइड्रोलाइजिस ऑफ फैट विथ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ जेटेनो एट हायर टेम्परेचर एंड प्रेशर आपका जो फैट यहाँ पर है उसका हाइड्रोलाइसिस होता है विथ वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट जिंक ऑक्साइड एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर तो जो फैट है उसका हाइड्रोलिसिस होता है पानी के साथ रिएक्शन होती है जेडनो जिंक ऑक्साइड के प्रेजेंस पे हाई टेम्परेचर होता है हाई प्रेशर होता है दूसरा क्या होता है बी स्टेप डिस्टिलेशन ऑफ फैटी एसिड्स अंडर वैक्यूम फैटी एसिड्स का डिस्टिलेशन होता है अंडर वैक्यूम फीस पेस एंड तीसरा क्या है न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द कंडेंस्ड फैटी एसिड्स विद एल्कली तो जो आपको फैटी एसिड कंडेंस होकर मिल रखा है उसका न्यूट्रलाइजेशन होता है एल्कली के साथ ठीक है तो एसिड्स प्लस बेस तो वो आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपकी होती है वो आपका थर्ड स्टेप होता है तो क्या हुआ रिएक्शन में पहले हम देख लेते आपके पास कोई फैट है कुछ भी हो सकता है कैसा भी आप ले सकते हो हमने एग्जाम्पल के लिए ये वाला फैट ले रखा है ठीक है तो इसमें अगर हम देखें तो फैट की रिएक्शन सबसे पहले आपका हाइड्रोलिसिस हो रखा है एच टू के प्रेजेंस में जिंक ऑक्साइड आपके पास क्या है कटलिस्ट है हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर है फैटी एसिड्स आपको मिल रखे साथ में ग्लिसरॉल आपका अलग हो रखा है ये आपका ओ एच होल्थराइस है ठीक है फिर जो आपके पास फैटी एसिड्स यहाँ पर मिल रखे इसका आपका यहाँ पर क्या हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन हो रखी एलकली के साथ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रखा बी स्टेप इसमें दिखा नहीं रखा है बी स्टेप में क्या होगा आपका फैटी एसिड्स जो आपके पास है उसका डिस्टिलेशन होता है अंडर वैक्यूम वैक्यूम स्टिल के अंदर आपका डिस्टिलेशन होता है फिर उसके बाद आपका तीसरा स्टेप क्या होता है जो आपके पास ये फैटी एसिड मिल रखा इसका एलकली के साथ रिएक्शन होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और फाइनली आपको यहाँ पर जो सोडियम सॉल्ट मिलेगा इसको ही यहाँ पर हम सोप कहेंगे, कुछ भी हो सकता है सोडियम स्टीरेट, सोडियम पालीमेटेड कुछ भी हो सकता है ठीक है और साथ में आपका जो वाटर है वो लीव करेगा द फ्लोशीट ऑफ द हाइड्रोलाइजर प्रोसेस इज शोन इन द बिलो फिगर अभी हम दिखाएंगे उसको हाइड्रोलाइजर प्रोसेस का जो पूरा फ्लोशी है द फैट मिक्सड विद जेडेनो कैटेस्ट एंड वाटर आर हीटेड टू टू थर्टी टू टू थर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस अंडर फोर्टी टू फोर्टी फाइव के टी एम प्रेशर एंड द हाइड्रोलाइजर तो क्या होता है आपके पास जो ये फैट है ये आपके पास हाइड्रोलाइजर है इसमें आपका वाटर और फैट प्लस कैटेस्ट दोनों आपके मिलाए जाते हैं तो यहाँ पर आपके वो उनको हीट कराया जाता है जो फर्स्ट स्टेप आपको यहाँ पर लिख रहा था कि द फैट मिक्सड विथ जेड एनो कैटेस्ट एंड वाटर आर हीटेड टू टू थर्टी टू टू थर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस अंडर दिस ए टी एम प्रेशर इन द हाइड्रोलाइजर तो हाइड्रोलाइजर में आपके जिंक कैटलिस्ट फैट वाटर मिक्स करके यहाँ पर आपके इसको हीट कराया जाता है उसके बाद क्या होगा आपको यहाँ पर द फैटी एसिड्स मिक्सड विद वाटर आर डिस्चार्ज एट द टॉप इन टू अ स्टीम फ्लैश टैंक तो एक स्टीम फ्लैश टैंक पे जो आपके फैटी एसिड्स वाटर के साथ मिक्स हो रखे उनको डिस्चार्ज किया जाता है एक स्टीम फ्लैश टैंक पे जो आपका फिगर में अभी शो नहीं कर रखा है फिगर पे भी अगर आप देखो तो इसमें आपका वो टैंक शोन यहाँ पर नहीं कर रखा है ठीक है देन क्या आपके पास यहाँ पर है द वाटर वेपर्स कूलिंग द फैटी एसिड्स विच आर देन वैक्यूम स्टिल फिर आपका जो यहाँ पर क्या है जो वाटर वेपराइज करेगा फैटी एसिड को कंडेंस करेगा विच आर देन वैक्यूम स्टिल द वेपर्स ऑफ फैटी एसिड्स आर पास्ड थ्रू वाटर कंडेंसनर फिर उसका जो आपके फैटी एसिड्स के वेपर्स होते हैं वो हम वाटर कंडेंसनर के थ्रू पास करते द कंडेंस्ड फैटी एसिड्स आर फाइनली न्यूट्रलाइज्ड इन द मिक्सचर एंड द प्रोडक्ट इज नीट सो तो सबसे पहले यहाँ पर हम हाइड्रोलाइजर पे वाटर फैट और कैटलिस्ट को मिक्स करते हैं उसके बाद वाटर वे वाटर आपका वेपराइज होता है वैक्यूम स्टील पे यहाँ पर आपका कंडेंस होगा कंडेंस होने के बाद जो आपको मिक्सचर फाइनली यहाँ पर मिलता है उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड हम मिलाते हैं अलकली या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी मिला सकते हो तो उसके बाद फाइनली हमें यहाँ पर नीट सोप मिलता है जो आपका क्या होता है सोडियम सॉल्ट होगा ऑफ कार्बोआऑक्साइड या फैटी एसिड्स ठीक है तो ये पूरा आपका हाइड्रोलाइजर प्रोसेस होती है अब आता है आपका क्लीनाइजिंग एक्शन ऑफ सोप अब क्लीनइजिंग एक्शन ऑफ़ सोप आपने क्लास ट्वेल्थ में ही पढ़ा है वहीं सेम चीज़ है आप इसमें कितना भी लंबा चौड़ा लिख सकते हो आपकी मर्जी हमने लिमिटेड चीज़ लिख रखी है जो आपके पास यहाँ पर इंपॉर्टेंट है बाकी आप अपने मन से ज़्यादा भी लिख सकते हो मिसल के बारे में मिसल फॉर्मेशन ये सब लिख सकते हो मिसल के बारे में ज़्यादा इसमें लिखा नहीं है लेकिन आप अपने मन से जो भी आपने ट्वेल्थ में पढ़ा है टेंथ में पढ़ रखा वो आप लिख सकते हो बहुत कुछ आप लिख सकते हो अगर आपका क्लीनाइजिंग एक्शन ऑफ सोप से क्वेश्चन आया तो तो जो आपका सोप का मॉलिक्यूल होता है आपका ये होता है ये हमने पहले देखा हुआ है तो ये वाला पार्ट क्या होता पा है आपके पास ये आपका पोलर हेड है ये वाटर सोल्यूबल है इस आप हाइड्रोफिलिक पार्ट भी कह सकते हो और ये वाला जो पार्ट होता है आपका नॉन पोलर टेल है ये आपका ऑयल सोल्यूबल है ठीक है ये आपका हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट होता है और ये आपका जो ये आयोनिक पार्ट है ये आपका हाइड्रोफिलिक पार्ट है वाटर सोल्यूबल पार्ट है जो आपका वाटर पे सोलूबल होगा इसे हम हाइड्रोफिलिक भी कहते हैं और ये आपका जो पार्ट होता है ये आपका हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है जो आपका नॉन पोलर टेल है ऑयल सोल्यूबल है तो बेसिकली होता क्या है कि जब यहाँ पर हम सोप को उसमें कपड़ों के आपके कॉन्टैक्ट में लाते जो क्लोथ्स होते तो जो आपका ये वाला पार्ट है ये आपका डर्ट के साथ स्टिक हो जाता है ये वाला हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट और ये आपका बाहर से ही रहता है तो आपको यहाँ पर मिसल फॉर्मेशन दिखती है कोलाइडल सॉल्यूशन आपका बनता है यहाँ पर पानी पे बेसिकली इमल्सिफायर होता है इमर्जेंस आपके यहाँ पर बनते हैं लिक्विड इन लिक्विड्स तो ये जो आपका पार्ट है हाइड्रोकार्बन पार्ट वाला नॉन पोलर ये आपका डर्ट के साथ स्टिक रहेगा और ये जो आपका पोलर पार्ट होता है ये आपका बाहर की तरफ ही रहता है तब आपके यहाँ पर जो डर्ट है उस कपड़ों से वो आपके हाइड्रोकार्बन पार्ट से अटैच हो जाती है और वहाँ से आपके निकल जाती है बेसिकली अगर आपको दिखाऊँ फिगर मैंने बनाया भी होगा पीछे तो ये आपका रहता है यहाँ पर इस तरीके से आपका यहाँ पर रहता है ये जो पार्ट है आपका आयोनिक वाला ये आपका वाटर सॉल्यूबल हेड पार्ट होता है और ये वाला जो पार्ट है आपका ये ऑयल सोल्यूबल ये टेल वाला पार्ट है तो ये पार्ट क्या आपके पास हाइड्रोफोबिक पार्ट है ठीक है वाटर रेपेलेंट पार्ट है और ये क्या है वाटर लविंग वाला पार्ट है वाटर सोल्यूबल वाला जो आपका हाइड्रोफिलिक है ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है तो जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होगा वो आपका डर्ट के साथ ऑयल के साथ आपका स्टिक रहेगा ये ऑयल आपको बता रहा है कि जो कपड़ों में आपकी गंदगी है वो आपकी ऑयल के फॉर्म पर ही रहती है ग्रीस के फॉर्म पर ही यहाँ पर रहती है तो यहाँ पर जो ये ऑयल सोल्यूबल वाला पार्ट है ये वाला तो ये आपका इससे अटैच होता है इस तरीके से और ये जो आपके आयोनिक पार्ट है बाहर आपको ये आयोनिक पार्ट दिख रहे हैं ये आपके बाहर की तरफ ही रहते हैं ठीक है ये आपके हाइड्रोफिलिक पार्ट है ये आपके डर्ट के साथ या ऑयल के साथ ग्रीस के साथ आपके अटैच नहीं होंगे ये बाहर की तरफ ही आपके रहते हैं ठीक है तो इस तरीके से आपका मिसल फॉर्मेशन होती है इसका जो पूरा आपको एक फिगर दिख रहा है ये आपको ये बता रहा है कि यहाँ पर मिसल फॉर्मेशन हो रही है इमरजेंस आपके बनते क्वालिटी सोल्यूशन आपके बनते जहाँ से आपकी लाइट स्कैटर कर सकती है क्लियर हो रहा है तो इसमें भी आप देखो यहाँ पर ये यह जो एन पॉजिटिव ये नेगेटिव वाला पार्ट है ये आयोनिक पार्ट है ये आपका बाहर की तरफ भी है ये आपको ये बता रहा है कि आपका जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है जो आपका वाटर लविंग पार्ट है वो आपका बाहर की तरफ है और जो डर्ट के साथ अटैच्ड है वो आपका हाइड्रोकार्बन पार्ट है जो वाटर क्या है रेपेलेंट है तो जो आपका हाइड्रोकार्बन पार्ट है वो ऑयल के साथ स्टिक होके वो जो गंदगी है उस कपड़ों से आपके यहाँ पर डिटैच कर लेता है ठीक है ये ऑयल जो आपके कपड़ों पे डर्ट पे जो लग उसमें क्लोथ्स में जो आपके डर्ट लगती है वो है आपका ये ठीक है तो ये आपका एक इमल्सिफाइड ग्रीस मॉलिक्यूल हम कहते हैं और वाटर पे हमने ये चीज़ कर रखी है इमल्स इमरजेंस आपके यहाँ पर फॉर्म होते एक टाइप का कॉलोडल सोल्यूशन आपका फॉर्म होता है आप कुछ थ्योरी यहाँ पर हम देख लेते तो थ्योरी पर आप अपने मन से भी लिख सकते हो या बुक से देख के कैसे भी आप लिख सकते हो बहुत कुछ आप इसमें लिख सकते हो मैंने बहुत थोड़ा लिखा है बहुत ही कम लिखा है मैंने इसमें तो क्या है द स्किन इज कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ नेचुरल ऑयल और ग्रीस विच कंटेन्स कैच इज डर्ट द सोप मॉलिक्यूल्स हैव अ लॉन्ग चेन नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन टेल दैट इज ऑयल सॉल्यूबल एंड अ नेगेटिव हेड हैड सी यू नेगेटिव विच इज वाटर सोल्यूबल यह भी हमने देखा ए सोप वाटर इज पोर्ड ओवर द स्किन और डर्टी गार्बेंट द हाइड्रोकार्बन टेल्स ऑफ द सोप मॉलिक्यूल्स पैक इन टू इट वाइल नेगेटिव हेड इज हेल्ड इन वाटर तो जो आपका नेगेटिव हेड है वो आपका पानी पे रहता है और जो आपका हाइड्रोकार्बन पार्ट है वो आपका उस डर्ट के साथ उस ऑयल के साथ आपका स्टिक रहता है द ग्रीस लेयर इज देन डिस्लॉस्ड फ्रॉम स्किन बाय रबिंग और फ्रॉम द गारमेंट ये जो ग्रीस लेयर की बात की जा रही है ना ये आपके जो कपड़ों में डर्ट है उसकी बात की जा रही है ग्रीस या ऑयली फॉर्म पर रहती है तो उस टाइम उसको ऑयल कह रहे हैं ग्रीस कह रहे हैं द ग्रीस लेयर इज देन डिस्लॉस्ड फ्रॉम स्किन बाई रबिंग और फ्रॉम द गारमेंट बाई टम्बलिंग एंड स्टीयरिंग ईच ग्रीस ग्लोब्यूल द सेपरेटेड इज पिन क्वेश्चन बाई इस पिन क्वेश्चन बाई हाइड्रोकार्बन टेल्स विद पॉजिटिव हेड आउटपुट्स इन वाटर द नेगेटिव ग्लोब्यूल कीप अपार्ट बाई म्यूचुअल डिपर्जेंस एंड आर सेट टू हैव बिन इमल्सीफाइड द इमल्सिफाइड ग्रीस ग्लोब्यूल्स बेरिंग डर्ट कैन बी रेडिली वॉश्ड विथ वाटर तो जो मैंने अभी आपको बताया वो आप इस फॉर्म पर भी लिख सकते हो इस तरीके से या अपने मन से कैसे भी जो अपने क्लास टेन्थ पे बेसिक मिसल फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा है ये पूरी आपकी मिसल फॉर्मेशन यहाँ पर हो रही है वैसा भी लिख सकते हो ठीक है ये मैंने आपके बी एस सी लेवल के हिसाब से लिख रखा है यहाँ पर उसके उस स्टैंडर्ड के हिसाब से लिख रहा होगा बाकी आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो ठीक है तो ये पूरा अगर आपका आया ये क्लीनाइजिंग एक्शन ऑफ सोप तो इस तरीके से आप पूरा बता सकते हो विथ प्रॉपर फिगर फिगर तो बताया नहीं इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बिना फिगर के तो आपका काम बनेगा नहीं इसमें अच्छा फिर हम सिंथेटिक डिटर्जेंट्स भी इसी वीडियो पे कर लेते हैं सिडेट्स इसको हम कहते हैं सोप्स हमने देख लिया अब आते हैं आपके सिंथेटिक डिटर्जेंट्स यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं एग्जाम्स में तो सिंथेटिक डिटर्जेंट्स या सिंडेट्स के बारे में क्या चीज़ लिखा है सिंथेटिक डिटर्जेंट्सो कॉल सिंडेट्स आर ये आपके सोप्स के सब्सटी होते हैं देर डेवलपमेंट इस रीसेंट इनोवेशन बट सिंडेट्स ऑलरेडी अबाउट एट्टी परसेंट ऑफ द वर्ल्ड डिमांड फॉर सोप जो जो इनकी डेवलपमेंट है वो आपकी एक रिसेंट इनोवेशन है लेकिन वर्ल्ड में इसकी एटी परसेंट डिमांड है सिंडेट्स की तो दो आपके मेन टाइप्स ऑफ डिटर्जेंट्स होते हैं सबसे पहले आता है आपका सोडियम एल्काइल सल्फेट्स ठीक है और दूसरा आपके पास है जो वो है सोडियम बेंजीन तो ये दो मेन इंपॉर्टेंट आपके सिंथेटिक डिटर्जेंट्स है पहला है आपके पास सोडियम एल्काइल सल्फेट्स दूसरा है आपके पास सोडियम एल्काइड बेंजीन सल्फोनेट्स तो सोडियम एल्काइड सल्फेट्स क्या होते हैं इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो आपका सोडियम लॉरियल सल्फेट है ये उसका आपका स्ट्रक्चर होता है कार्बन चेन आपके पास कितनी है दस ग्यारह बारह बारह आपके कार्बन की चेन है फिर आपके पास यहाँ पर एसओ SO, फो नेगेटिव एनए प्लस है ऐसे फोर नेगेटिव एनए प्लस इसको हम कहते हैं सोडियम लॉरियल सल्फेट तो क्या लिखा है सोडियम लॉरियल सल्फेट वन ऑफ द अर्लीस्ट सिंथेटिक डिटर्जेंट्स इज मेड फ्रॉम लॉरियल एल्कोहल ऑप्टेन बाई द हाइड्रोजनी लेसिस ऑफ फैट्स सोडियम लॉरियल सल्फेट हमने क्लास ट्वेल्थ में भी देखा होगा केमिस्ट्री इन एवरी डे लाइफ में जब आपने पढ़ा होगा तो उसमें आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था एनायोनिक कटायोनिक डिटर्जेंट्स अगर आपको याद होगा तो तो कैसे आपके बनते इट इज मेड फ्रॉम लॉरियल एल्कोहल ऑप्टेन बाई हाइड्रोजनी लेसिस ऑफ फैट्स तो ये आपके लॉरियल अल्कोहल से बनते और लॉरियल अल्कोहल आपको मिलता कैसे जब आपका फैट का हाइड्रोजनलिस होता है जो अभी हमने पहले डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियोस पे वहाँ से आपको लॉरियल अल्कोहल मिलता है और वहीं से आपके सोडियम लॉरियल सल्फेट यहाँ पर बनते हैं तो रिएक्शन कैसे होती है आपके पास लॉरियल अल्कोहल है इसका हम रिएक्शन करवाएंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एच टो एसो फोर तो यहाँ से आपका एच टू वो बाहर जाएगा माइनस एच टू आपका यहाँ पर होगा और आपको मिलेगा लॉरियल हाइड्रोजन सल्फेट ठीक है इसके बाद इसकी रिएक्शन कराते हैं सोडियम हाइड्रो के साथ देखो एल्कली के साथ रिएक्शन करवाओगे तभी आपका सोप या डिटर्जेंट आपका बनता है ठीक है आपका जो भी यहाँ पर प्रोडक्ट है उसकी रिएक्शन आपको फाइनली एल्कली के साथ या तो एन ओ हो गया या तो के ओए हो गया उसके साथ आपको करानी है तभी आपका यहाँ पर डिटर्जेंट यहाँ पर फॉर्म होते हैं या सोप्स फॉर्म होते है ठीक है ठीके? तो आपको मिलेगा कि यहाँ पर सोडियम लॉरियल सल्फेट जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाओगे तो आपको सोडियम सॉल्ट मिला है यहाँ पर ठीक है देन क्या आपके पास दूसरा आता है सोडियम एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट पहला वाला क्या था सोडियम एल्काइल सल्फेट था ये क्या है ये आपका बेंजीन सल्फोनेट है एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट तो इसमें जो आपका इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो है सोडियम डोडेकाइल बेंजीन सल्फोनेट ये भी आपने क्लास ट्वेल्थ में ही पढ़ा है केमिस्ट्री आई डी लाइफ लास्ट पार्ट आप देखना लास्ट पेज आप देखना अगर आपके पास बुक होगी एन की तो वहाँ पर आपको दोनों एग्जाम्पल मिल जाएंगे और सिंथेसिस शायद नहीं दिखा रखा खाली एग्जाम्पल आपके शो कर रखें तो वहाँ आपको मिल जाएंगे ठीक है तो सोडियम दो डेकाइल बेंजीन सल्फोनेट ये इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम्पल है सोडियम एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट का कॉमन एग्जाम्पल है ये स्ट्रक्चर आपके पास यहाँ पर रहता है कार्बन चेन कितनी है देखो अगर हम ये एलिफेटिक की बात करें तो दो नौ आपके पास यहाँ पर ग्यारह और बारह बारह कार्बन चेन है बेंजीन रिंग है एसओ थ्री नेगेटिव एन ए पॉजिटिव यहाँ पर बस अंतर किया दोनों पे आपके पास बेंजीन रिंग यहाँ पर एक्स्ट्रा आ गई है वहाँ पर क्या था वहाँ पर आपके पास एक जो हाइट वो था ऑक्सीजन था वो ज़्यादा था लेकिन यहाँ पर आपके पास तीन ऑक्सीजन है ठीक है सोडियम डोडेकाइल बैंस सल्फोनेट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वन डोडेकेन अवेलेबल फ्रॉम पेट्रोलियम रिफाइनरी बाय फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन तो आपका जो ये सोडियम डोडेकाइल डेकाइल सल्फोनेट है ये आपको मिलता है फ्रॉम वन डोडेकेन से यह आपका पेट्रोलियम रिफाइनरी से अवेलेबल है बाई फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन से आपको वन डोडेकेन मिलता है रिएक्शन कैसे आपकी होती है यहाँ पर ये जो आपकी पूरी रिएक्शन होती है यहाँ पर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होती है वन डोडेकेन आपके पास है इसकी रिएक्शन आप बेंजीन के साथ करवाओगे ए एल सी एल थ्री के प्रेजेंस में ऐसा लैबिस एसिड और आपके पास यहाँ पर क्राफ्ट रिएक्शन है ये हमने डिस्कस कर रखी है क्राफ्ट रिएक्शन और आपको मिलेगा वन डोडेकइड बेंजीन ठीक है इसके बाद रिएक्शन होती है आपकी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ सल्फेट लाने के लिए और उसके बाद आपका एल्कली के साथ रिएक्शन होगी एन यू एच के साथ तब आपको यहाँ पर फाइनली सोडियम डोडेकाइड बेंजीन सल्फोनेट यहाँ पर मिलेगा ऐसा प्रोडक्ट ठीक है तो इस तरीके से आपका इसका प्रिपरेशन होता है सोडियम डोटेकाइल बेंजीन सल्फोनेट का और एक इंपॉर्टेंट आपका सोडियम एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट या इंपॉर्टेंट आपका सिंथेटिक डिटर्जेंट है ठीक है अब लास्ट आपका टॉपिक है सिंथेटिक डिटर्जेंट्स वर्सेस सोप्स मतलब दोनों में से बेस्ट कौन है उसके बारे में थोड़ा आपके यहाँ पर चीजें लिखी गई है क्या है लाइक सोप्स सिंथेटिक डिटर्जेंट्स है लॉन्ग नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन चेन एंड हाईली पोलर ग्रुप एट द एंड ऑफ द मोलिक्यूल सोप की तरफ भी जो आपके सिंथेटिक डिटर्जेंट्स होते हैं इनका एक लॉन्ग नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन चेन होता है हाईली पोलर ग्रुप्स होते हैं एट द एंड ऑफ द मॉलिक्यूल ये हमने अभी स्ट्रक्चर पे देखा दस दे क्लीनाइजिंग पावर एज गुड एज गुड और बेटर देन ऑर्डिनरी सोप तो जो इनके ऑर्डिनरी सोप के कंपेरिजन पर जो इनकी क्लीनीजिंग पावर होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है सोप्स के कंपेरिजन पे द सिंथेटिक डिटर्जेंट्स आर सुपेरियर टू सोप्स जो आपके सिंथेटिक डिटर्जेंट्स हैं वो सोप से ज़्यादा अच्छे हैं बिकॉज दे डो नॉट फॉर्म इनसोल्यूबल सॉल्ट विथ कैल्शियम टू पॉजिटिव मैग्नीशियम आयन फेरस आयन एस सोप्स टू अब क्या करते हैं जो आपके सिंथेटिक डिटर्जेंट्स होते ये आपके इनसॉलिबल सॉल्ट फॉर्म नहीं करते कैल्शियम टू पॉजिटिव के साथ मैग्नीशियम आयन के साथ फेरस आयन के साथ तो इनके साथ आपके ये इनसॉलीबल सॉल्ट फॉर्म नहीं करते तो ये आपके ज़्यादा बेटर माने जाते हैं देन ऑर्डिनरी सोप्स ठीक है जैसे इसमें आप देखो जब आप सोप की रिएक्शन एम जी एस के साथ कराओगे तो यहाँ पर आपका इनसॉलिबल सॉल्ट फॉर्म हो जाएगा ये जो आपका मैग्नीशियम आयन का ही सॉल्ट फॉर्म हो रखा है आपका मैग्नीशियम सॉल्ट तो आपका इनसॉलीबल सॉल्ट है ठीक है लेकिन जब आप क्या करोगे यहाँ पर ये यह जो आ, डिटर्जेंट आपके पास है इसके रिएक्शन कराओगे मैग्नीशियम सल्फेट के साथ तो यहाँ पर आपको सोलिबल सॉल्ट मिल रखे है तो तभी आपके जो सिंथेटिक डिटर्जेंट्स होते हैं ये आपके ज़्यादा सुपीरियर माने जाते हैं देन द ऑर्डिनरी सोप्स तो क्या लिखा है दस डिटर्जेंट्स कैन बी यूज इन इधर सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर वाई जो ऑर्डिनरी सोप्स होते हैं आर प्रेसिपिटेटेड इन हार्ड वाटर एंड गो वेस्ट तो जो आपके सिंथेटिक डिटर्जेंट्स होते हैं वो आपके सॉफ्ट वाटर पे भी और हार्ड वाटर में भी दोनों में यूज़ किए जाते जबकि जो आपके ऑर्डनरी सोप्स होते हैं वो आपकी पीपीटी आपको दे देंगे हार्ड वाटर पे और वो वेस्ट चले जाते हैं आपका अनलाइक ऑर्डिनरी सोप्स द अल्ड डिटर्जेंट्स कंटेनिंग ब्रांसड चेन इन द हाइड्रोकार्बन टेल वर नॉट रेडिली बायोडिग्रेडेबल इसका मतलब क्या है कि जो आपके पहले के जो डिटर्जेंट्स आपके थे वो आपके बायोडिग्रेडेबल नहीं थे इनमें जो आपकी हाइड्रोकार्बन टेल थी वो आपकी जो जिसमें ब्रांच चेन आपकी थी हाइड्रोकार्बन टेल्स में वो आपके रेडिली uh, बायोडिग्रेडेबल नहीं थे उसका मतलब क्या है दे वर नॉट ब्रोकन डाउन बाय बैक्टीरिया इन द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स दे कॉस्ट वाटर पॉल्यूशन जो आपके पहले वाले डिटर्जेंट्स थे उससे वाटर पॉल्यूशन आपका होता था क्योंकि वो आपके बैक्टीरिया uh, में आपके ब्रोक नहीं होते थे और आपके जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के लिए आपके वो यूज़ नहीं किए जा सकते थे तो उससे वाटर पॉल्यूशन आपका होता था ऑल द न्यू आपके जो एल ए एस डिटर्जेंट्स हैं वो आपके बायोडिग्रेडेबल है एंड द प्रॉब्लम ऑफ वाटर पॉल्यूशन हैज़ नाउ बिन एलिमिनेटेड तो जितने भी आपके नए डिटर्जेंट्स हैं वो आपके बायोडिग्रेडेबल है और जो आपके वाटर पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है वो आपकी कई हद तक आपकी रुकी हुई है ठीक है तो ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट सिंथेटिक डिटर्जेंट्स है जो हमने अभी डिस्क, डिस्कस कर रखे और सोप्स के बारे में भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर रखा बाकी इसके नोट्स आप डाउनलोड कर देना सब थ्योरी पार्ट ही है सब सब कुछ आपको लिखना ही यहाँ पर कुछ आपके इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जैसे हाइड्रोजन लेसेस हो गया और आपके हाइड्रोजनेशन हो गया फिर आपके इसमें ये डिटर्जेंट्स में सोप्स में दो तीन इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आती है ये सब आप लिख सकते हो बाकी ये सब नोट्स वगैरह का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा गूगल ड्राइव का वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो थ्योरी पार्ट है तो ज़्यादा मैं इसमें जोर दे नहीं रहा हूँ सिंपल आप कुछ अपने मन से आपको याद ही करना सब चीज़ें तो उतना मैं यहाँ पर ये आपको खाली नोट्स में प्रोवाइड कर सकता हूँ बाकी तो सब थ्योरी पार्ट है तो उसको भी हमने ऐसे ही यहाँ पर डिस्कस कर रखा है बाकी वीडियोज जो आपकी होगी दो तीन वीडियोज हमने बना ली है फैट्स ऑयल्स की वो आप देख लेना नेचुरल प्रोडक्ट्स और आपके जो सिंथेटिक पॉलीमर्स है वो भी हमने डिस्कस कर लिए उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर नेक्स्ट वीडियो पर अमीनो एसिड्स और पेप्टाइड्स वगैरह वो जो चैप्टर है वो हम डिस्कस करेंगे सो वी लाइक दिस वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो